छात्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी विशेष छूट सरकार द्वारा दी गई है इस बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, महिलाओं को मजबूत और सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई वित्तीय मामलों में महिलाओं के नाम यदि प्रॉपर्टी है तो उसे कई तरह के फायदे मिलते हैं, हम उसे बताने जा रहे हैं। किन किन वित्तीय मामलों में महिलाओं को विशेष छूट, सस्ती दरों पर उसको होम लोन मिल जाएगा बैंक से, जिसमें महिलाओं को सस्ती दरों पर होम लोन दिया जाता है, लेकिन यदि पुरुष कोई लोन लेता है तो बैंक द्वारा उस पर अधिक ब्याज दर ली जाती है, जबकि महिलाओं के लिए घर के लिए होम लोन में ब्याज की दर में सस्ती दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार स्टैम्प ड्यूटी में छूट रहती है। रजिस्ट्री के समय जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है उसमें भी महिलाओं को विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान है। महिला अगर अपने नाम से घर का मकान लेती है, करवाती है, कुछ राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी पर विशेष छूट दी जाती है, जबकि पुरुष यदि अपने नाम से मकान लेते हैं तो स्टैम्प प्रॉपर्टी का जो रेट है वो ज़्यादा लगता है। ऐसी स्थिति में एक राज्य में तो 6% जैसे पुरुषों के लिए है तो यहाँ 4% तक का प्रावधान है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रावधान है वो ये है कि म्युनिसिपैलिटी का जो टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें भी महिलाओं को विशेष छूट दी जाती है। महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। कुछ स्टेटों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स का फायदा महिला के नाम से यदि प्रॉपर्टी है तो उसको देता है, और प्रॉपर्टी टैक्स की दर महिलाओं के लिए कम लगती है। इसी प्रकार इनकम टैक्स स्लैब में उनको कोई वैसे छूट नहीं दी जाती है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही इनकम टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि वित्त वर्ष 2011-12 तक महिलाओं को टैक्स छूट ज़्यादा मिलती थी, लेकिन 2012-13 से छूट को पुरुषों के समान ही कर दिया गया है। महिलाओं को 2.5 लाख रुपए को 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की आय पर छूट मिलती है। वहीं अगर साल की उनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है तो बचे हुए 2.5 लाख पर ही टैक्स उनको देना होता है, यानी पूरे 5 लाख टैक्स फ्री हो जाते हैं। ये नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर था। इस प्रकार महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गई कौन कौन सी छूटें हैं ये मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया, जिसमें सस्ती दर पर उसको होम लोन तथा स्टैम्प ड्यूटी में छूट, मकान यदि परचेज करती है अपने नाम से तो उसको दिया जाता है। तो महिलाओं को मजबूत और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे कई वित्तीय मामलों में सरकार द्वारा विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।